नाश्ते में है हमारा दो सब्जी, घिया और आलू की, और नमकीन और पराठे और दूध। करते हैं फिनिश और निकलते हैं काम पे। काम अपना आ चुका है, हमें जाना है कश्मीरी गेट से भोपुरा। तो चलते हैं, गाड़ी करवाते हैं कश्मीरी गेट से अपनी लोड और निकलते हैं गाड़ी लोड करा के। गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं ये चार रोल हैं, चार रोल ही जाएंगे हमारी गाड़ी के अंदर। गाड़ी हमने लगा दी है पॉइंट पे और गाड़ी होगी लोड। गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है, लोड करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अपने को जाना है भोपुरा में, जाना है गाजियाबाद में। तो निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। धीरे धीरे गाड़ी को हम बाहर निकाल रहे हैं और चलते हैं धीरे धीरे लेके गाड़ी को, और अपनी पकड़ते हैं रिंग रोड सीधा, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत जाम दिखा रहा। रिंग रोड पकड़ लिया है, आ चुके हैं सादरा वाले फ्लाईओवर पे, और यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर और है जहाँ हमें जाना है, जहाँ पे अपना ये माल उतरेगा। तो यूपी में एंट्री करते हैं और ये अपना सादरा वाला फ्लाईओवर जो अपना पार करेंगे तो यूपी में अपनी एंट्री हो जाएगी और अपना पहुँच के उतरवाएंगे माल। यूपी में एंट्री कर ली थी और आ चुके हैं, इसी में अपना उतरना है माल। फैक्ट्री है जो, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, तो उतरवाते हैं माल। अपना दूसरा पिकअप भी आ चुका है, तो इस माल को उतरवा के और अपना निकलते हैं दूसरे पिकअप की तरफ। तो दूसरा पिकअप अपना बगल से ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हैं। तो गाड़ी उतरना स्टार्ट हो चुकी है और अपना दूसरे पिकअप पे चलते हैं, करवाते हैं अपनी गाड़ी को लोड। दूसरे पिकअप पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमारी हो रही है लोड, करवाते हैं लोड। और उसके बाद अपने को जाना है साईं बाबा। तो यही अपना जो है बेंचें हैं जो बुजुर्गों लोगों की होती हैं, वो ही है। तो लोड हो रही है अपनी और जाना है अपने को साईं बाबा से साइड 4। तो लोड कराते हैं और निकलते हैं। गाड़ी लोड करा के निकल चुके हैं, ये भी काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था, काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। और सामने देख सकते हैं रिंग रोड है, वजीराबाद वाला बाईपास। निकलते हैं आगे और करते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू। तो देख सकते हैं आगे हम हाईवे पे और ये अपना पूरा बहुत पूरा पार हो चुका है, और अपना साईं बाबा से हमें जो राजेंद्र नगर है वहाँ से मारना राइट। तो अपने को जाना है साइड 4। तो ये साइड 4 पे हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर और है जहाँ अपना उतरेगा माल। तो पहुँचते हैं कंपनी में और अपना उतरवाते हैं माल। कंपनी पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमारी लग चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, और उतरेगी माल। उतरवाते हैं माल और उसके बाद अपना निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी लोड करके निकल चुके हैं, अपना तीसरा पिकअप भी आ चुका था अपना, तो तीसरा पिकअप अपना हमने लोड करा लिया था और निकल चुके हैं। अपने को जाना है गांधीनगर, तो गांधीनगर के लिए निकल चुके हैं, आ चुके हैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास, देख सकते हैं आप लोग। और टोल कटवाते हैं और पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर एंट्री, चलते हैं। दिल्ली के अंदर एंट्री हो चुकी है अपनी, अपना हसनपुर डिपो अपना पार्क कर दिया हमने, देख सकते हैं आप लोग। और चलते हैं नाले और रास्ता पकड़ के सीधा निकलते हैं पॉइंट पे। तो तीसरा पिकअप अपना लोड हो चुका था और यहाँ उतर रही है गाड़ी, देख सकते हैं आप लोग। हमने वहाँ शूट नहीं किया था क्योंकि वहाँ शूट करना अलाउ नहीं था, तो ना कर लिया हमने लोड और आ चुके हैं अनलोडिंग पे। तो अपना माल उतार के निकल चुके हैं और पहुँचते हैं अपना जिम। तो जिम में आज अपनी वर्कआउट मारेंगे चेस्ट की, तो चेस्ट की वर्कआउट मारते हैं और आपको दिखाते हैं। आज थोड़ी सी हैवी सेट मारने हैं, तो चलते हैं और मारते हैं चेस्ट की वर्कआउट। तो आ चुके हैं ट्रेनर साहब पीछे और हमने उठा लिया है 30-30 का डंपल, देख सकते हैं। और ये अपनी हमारी टी शर्ट थोड़ी सी इधर हो गई है, तो ये बंदा हमारी टी शर्ट ठीक करेगा। और उसके बाद ये आ गए ट्रेनर साहब, देख सकते हैं। कम से कम इन्होंने कहा है 10 RM तो निकालनी चाहिए, तो देख सकते हैं आपका एक्रोवेट बिल्कुल सेट लग रहा है। और 30 kg था, तो हाथ बहुत थोड़ा डिसबैलेंस हो ही जाता है, तो इसीलिए सपोर्ट लेनी बहुत जरूरी होती है। और ज़्यादा अगर हैवी आप लगा रहे हो तो ज़रूरी है अपने ट्रेनर से या अपने गुरुजी से ले सकते हैं अपनी सपोर्ट। सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलती से डंपल आपके ऊपर गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट सेट आ रहा मेरा, और करते हैं इसको सेट को फिनिश और निकलते हैं घर पे। तो डाइट वाइट अपनी लेके जाएंगे, ये ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभरात्रि, जय हिंद।